इकबाल अंसारी बेहद खुश हैं। पिता हाशिम अंसारी की मौत के बाद अयोध्या मामले में मस्जिद पक्ष के मुद्दे रहे। इकबाल कहते हैं, राजनीति करने वाले चले गए तो अयोध्या भी निखरने लगी है। पूरा श्रेय पीएम मोदी व सीएम योगी को ही है। महेंद्र तिवारी से बातचीत में इकबाल ने बेबाकी से राय रखी। 1992 में जब मस्जिद टूट गई थी, पिताजी तभी इस मामले को भुला देना चाहते थे। 2010 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद वे आगे नहीं लड़ना चाहते थे। निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हम तो एक दिन बाकी रहा तब गए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो मुसलमानों ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उनके मन में कुछ नहीं रहा। अब जो कुछ हो रहा है मुसलमान उसमें खुश है, उसे कोई दुख नहीं है। पिताजी कहते थे, अयोध्या के हिंदू मुसलमान में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों में कभी कोई दिक्कत नहीं रही। गंगा जमुनी तहजीब कायम रही है। राजनीति करने वाले बाहर से आते रहे और अपनी राजनीति करके चले गए। हिंदू मुसलमान वाली बात हो सकती है कहीं बाहर हो, अयोध्या में तो नहीं है। मुझे शिलान्यास समारोह का न्योता मिला था, मैं गया भी और अपनी श्रद्धा व हैसियत के हिसाब से चंदा भी दिया। अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। हमारा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारे समाज के लोगों ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। चंद लोग हैं जो मुझसे दुश्मनी रखते हैं, ऐसा भाव रखने वाले बाहरी हैं। वे क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने तो पीएम नरेंद्र मोदी के आने पर पुष्प वर्षा भी की। सिख हो या जैन, सनातन को नहीं मानते। मुसलमान भी सनातन को नहीं मानता। सभी अपने अपने नियम व धर्म से अपना काम करते हैं। सिख हो या जैन, अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी जाते हैं, तो मेरे जाने में क्या बुराई है। हम अच्छी सीख लेने के लिए जाते हैं, बुराई से मेरा मतलब नहीं। अयोध्या के वक्त यही बात हुई थी कि इस मसले को खत्म कर दिया जाए तो आगे विवाद नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बिना पर फैसला दिया। मुसलमान ने पूरा सम्मान दिया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। हम अयोध्या में हैं, अयोध्या का जानते हैं, मथुरा और काशी का मसला वहां के लोग जाने। मंदिर के सियासी नफा नुकसान पर सियासी पहलू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मंदिर बनवाने वाले किस पार्टी को बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सरकारी योजनाओं में भेदभाव पर प्रधानमंत्री की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमानों को पूरा लाभ मिल रहा है। हम अपने आसपास देखते हैं कि सबको लाभ मिल रहा है। मेरी लोगों से अपील है कि अयोध्या सुंदर हो रही है, लोग अयोध्या आएं और देखें। जो अपने धर्म का पक्का होगा वही समाज का भी पक्का होगा। जो धर्म का पक्का नहीं होगा वह समाज का पक्का नहीं हो सकता। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी, हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम सीता की 10,000 मूर्तियां हैं। यहां मुसलमानों की मजार और सिखों का गुरुद्वारा है। अयोध्या पिछड़ा इलाका रहा है, विकास भले ही नहीं रहा लेकिन श्रद्धा भरपूर रही है। रेलवे स्टेशन, सड़क, एयरपोर्ट, ये काम पहले ही हो जाने चाहिए थे। आज रेलवे स्टेशन बड़ा हो गया, सड़कें चौड़ी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। अयोध्या के विकास की तारीफ हो रही है। सब मोदी योगी की देन है। सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।